जब वो हमारे घर में आए तो हर तरफ की हमें छोड़ दी, कहने लगे जबान ले लो और रिश्ता हमें 5 साल बाद ही देना, हमें कोई इनकार नहीं है, मिठाई बांट लो। मैंने कहा जब हाथ उठा कर देना या रिश्ता देना, सिर्फ एक ही बात है। चलो चेहरे बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे विवास, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। जो बाहर हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। विवास माशाल्लाह से अबू भी आ गए हैं, तो ये ना दो चार पाँच हैं जो है घर में, उनका मानना ख़त्म हुआ पड़ा था। तो कल अब्बू जी वान लेकर मुझे दे गए थे। ये खजी का है, ये खजी से बनता है ना, इसको डुबो के रखना पड़ता है, वरना ये बहुत सख्त होता है ना, खाट की मड़ाई नहीं होगी। तो अभी अब्बू कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आप तेल भी डाल दी। देखें ये ब्लैक हो गया है, जब खुश्क होगा ना फिर वैसे का वैसे हो जाएगा। अभी जो है ना इसमें थोड़ा सा तेल डालकर रख देते हैं, इसको एक दो घंटे लगेंगे। तो घर की दो चार पायाँ टूटी फड़ी है ना, मेहमान वगैरह आते जाते रहते हैं। मैंने कहा ये दो बना लूँ, एक दो और भी ले लूँगी, ये तो ज़रूरत की चीज़ है ना। तो माशाल्लाह से कल जो है हमने वीडियो नहीं बनाई, देर हो गई थी, मियाँ साहब काम पर चले जाते हैं ना, इसलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल काम भी घर का शुरू करेंगे। क्योंकि ऊपर से चार दीवारी है ना, पहले वो बनाएंगे। इधर बारिश है ना अभी एक दिन के बाद आ रही है, एक दिन के बाद, और बच्चे भी ऊपर चढ़े रहते हैं, खतरा कहीं ना हो जाए। पहले चार दीवारी बनाएंगे और लंटर को सेफ करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। तो थोड़ा और भी डाल लेती हूँ एक एक ढक। ये बहुत सख्त होता है जब बनाई के लिए बांधेंगे ना इसको ना, ये ना इसलिए ले आया है अब कि ये चलता बहुत ज़्यादा है, चार पाई टूटती नहीं है। अभी भी इसको डुबो के रखेंगे जो सूखे है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे विवाद, तो कैसे हम कितने आप सारे खैर करिए। ऐसे विवाद मैं ना सुबह से अभी ये घर का सारा काम किया और दूध गर्म किया और सामान अभी बना रही हूँ। मेरा हाल तो आप लोग देखे, पहले ना गैस था वो अब ख़त्म हो गया, इसलिए चूल्हे पे आग जलाई हुई है। तो बस अभी बांध जो है बिखर गया है, तो इसके ना ऐसे गोटे बनाएंगे, फिर इसकी बनाई शुरू करेंगे। क्योंकि ये ऐसे होगा ना फिर बनाई नहीं होगी खट की। तो अभी इसके सब ये देखे ना जमीन पर रखे ना, इसके वाट सब वगैरह निकल जाते हैं ऐसा से खुद ब खुद, ये इस तरह से करते आएंगे। तो इसके अभी गोटे बना लूंगी। तो माशाल्लाह से ना तीन चार दिन पहले जो है हमारे घर में आमना के रिश्ते की बात हुई थी, तो काफी सारे मेरे बहन भाई हैं जो बिना सोचे बिना समझे, कोई मुझे पागल कहने लगा, कोई कहने लगा अपनी बेटी पर जुल्म करी हो। तो सिर्फ थंबनेल देखने पर, पूरी वीडियो तो आप देखते नहीं थे ना, वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि फैसला मेरा है, मुझ पे किसी की किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है।
तो बाकी जो है उन्होंने रिश्ते की बात भी खुद आकर की और घर में जो है खुद आए, हमने वल्लाह ना हमें कुछ भी इल्म नहीं है। तो आप सब ने गलत सोचा और गलत हमें बताया, मुझे पागल ठहराया, कहने लगे कि आप बेटी पर जुल्म कर रही हैं, मुझे भी इस चीज का इल्म है। हम कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए भला ही गलत सोचता है, जितनी भी चाहे हो, जितनी भी जिसकी 4 हैं 5 हैं कोई भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचता। ठीक है, माना कि इधर हमारे गांव में जहालत है, तो वक्त अब हमारे गांव में ना छोटी सी बेटियां उनकी उनको ब्याह देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। तो मुझे खुद को पता है, आप सबको मैंने मेरे दिल की क्या क्या ख्वाहिश है, मैंने आप सबको पहले भी बताई है कि मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, पढ़ेंगी लिखेंगी। आपको तो पता है ना मेरा घर अभी बन रहा है, फिर मैं इनका रिश्ता करती तो जहेज वगैरह कहाँ से देती, आप सबको पता है। वो घर में आए भी थे तो दुश्मन भी आता है घर में, मेहमान थे उन्होंने आकर, चलो ठीक है सियाने लस्सी आलेंदे घर दी आलेंदे घर हर कोई टोल के वेंदे। परसों जब वो हमारे घर में है ना, तो काफी सारी वो बातें थी जो वो अभिभाष से मैं शेयर नहीं कर सकती, तो आज आपको तफसील से बता रही हूँ। उन्होंने तो हर तरफ की हमें छूट दी कि 5 साल के बाद आप जहेज बना लेना, आप इसको पढ़ा लेना, लिखा लेना, हर चीज कर लेना, हमें हमें रिश्ता दो। तो जब वो हमारे घर में आए तो हर तरफ की हमें छूट दी, कहने लगे जबान ले लो और रिश्ता हमें 5 साल बाद ही देना, हमें कोई इनकार नहीं है, मिठाई बांट लो। मैंने कहा जब हाथ उठा कर देना या रिश्ता देना सिर्फ एक ही बात है। तो जब उन्होंने कहा ना 5 साल के लिए हमें पक्की करके दे दो, तो फिर ना मुझे ये बात ना नामुनासिब लगी, या रिश्ता देना और या पक्की करके देना एक ही बात तो है। ये बात ना मुझे उन्होंने कहा था ना 5 साल के लिए पहले हमें पक्की करके दे दो, फिर आना जाना लगा रहता और कोई बात वो निकालते कोई बात हम निकालते, फिर किसी बात पे लड़ाई हो जाती। ये मुनासिब मुझे बात सही नहीं लगी, मैंने अपने दिल से और अब्बू से और मियाँ भी हमने बैठ कर और भाई दादी सब से बैठ कर ये फैसला किया है कि जब आमना बड़ी होगी तो एक दिन में बैठ कर फैसला करेंगे और उसके नसीब में है तो उसके नसीब में जहाँ भी इनका नसीब है बस एक दिन में उनको कर कर और उनकी शादी कर देंगे। अब आज के बाद किसी को भी किसी के नाम पे नहीं लगाऊंगी, अभी बड़ी होंगी तो फिर जिसके नसीब में भी होंगी, अल्लाह पाक इनका नसीब आप अच्छा करे। तो आप सब ने जो कमेंट किए हैं, वीडियो नहीं देखते थे तो पहले कमेंट कर देते, पागल मैं नहीं हूँ पागल, आप सब बहन भाई हैं, क्योंकि सब कह रहे थे कि आपने किसी को औलाद नहीं कोड़ी। तो सबको मेरी तरफ से माजरा चाहती हूँ कि आपने सब ने गलत सोचा है। मेरी जब आमना छोटी थी तो अभी आमना तो छोटी है ना, अब आप सब देख रहे होंगे कि घर का काम मुश्किल से होता है, हमारी कोई जजात तो नहीं है। जब से ये बड़ी होंगी और ऐसा ऐसा से जो भी मुझसे होगा, ये मैं नहीं कह रही, पहले तो पढ़ेंगी कुरान पाक पढ़ेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, जो जितने जिनके नसीब में होगा तो वो मैं इनको करके दूंगी। हमारे गांव में ना यहाँ बेटियां के ना वट्टे सटे करते हैं, बेटी वहां से ले और इधर से दे, तो मैं जिसको भी बेटी दूंगी ना सिवाय रब की जात के अल्लाह के नाम पर दूंगी, ना मुझ में ये दिलचस्पी है कि मैं उनसे लूं और मुझसे ले वो, नहीं सिर्फ रब की जात के लिए मैं दूंगी, क्योंकि ये रिश्ते ना रब की जात के लिए बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि ये रिश्ते मेरे कायम रहे। तो अभी जो है मैंने उनको कॉल करके बताई है कि मैंने साफ आपको इनकार कर दिया है, अभी आमना छोटी है। तो अब्बू से भी पूछ लेते हैं कि मैंने सही फैसला किया है, अब्बू मैंने सही फैसला किया है? ठीक किया। तो मैंने जो है साफ इनकार कर दिया है, मैंने कहा है कि हमें नहीं बड़े घरों की जरूरत, 5 साल के बाद सोचेंगे जिंदगी बाखुदा रही तो आपके नसीब में होगा तो फिर बैठ के ये रिश्ते तय करेंगे, अभी नहीं। मियाँ साहब ने सब ने हमने साफ उनको इनकार कर दिया है। तो आप सब ने गलत सोचा है, मुझे मेरी औलाद प्यारी है जिंदगी से भी ज्यादा, आपने शायद सोचा नहीं मैंने कितने कठिन करके अपनी औलाद को यहाँ तक लेकर आई हूँ।
आप सबने सपोर्ट किए तो अभी तो मेरा घर भी मुश्किल से भर रहा है, और घर की यहाँ आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की महंगाई कितनी है, घर बहुत मुश्किल से चलता है। ऐसा ऐसा से आमना का जहेज बनाऊंगी और फिर सोचूंगी। अभी आमना स्कूल जाएगी, कुरान पाक पढ़ेगी, अभी तो मेरी ये खातिरदारी करेगी, अभी इनको मैं ब्याने वाली नहीं। आने वाला वक्त मैं या मेरा सोना रब जानता है कि मैं कितनी औलाद के लिए तरक्की के बारे में सोचती हूँ। तो मैं दिल से ये तो नहीं कहती, फखर तो नहीं करती, देने वाली तो रब की ज़ात है ना, सब इंसानों को दे कि मेरी औलाद कितनी बुलंदी पर होगी। अब सबको फखर होगा मेरी औलाद पर कि वाकई भी ये कुछ चीज़ की इन्होंने तरक्की की है। ये आपने ठीक किया है कि हमारे वक्त में ये जो होता था ना, पुराने रिश्ते पहले ये सब सही नहीं था, अब आप लोगों ने ठीक किया है। वो जो इतने दूर बैठ के आपको इतना अल्लाह ताला कहाँ से वो रिस्क दे रहे हैं, ये देखें आप, ये उनके लिए दुआ करें, उनके लिए सब दुआ करें। हमारे दौर में तो ऐसा होता ही नहीं था, हमारे दौर में तो क्या करते थे रिश्ते, बस ऐसे वडेरे बैठ गए, उन्होंने कह दी ठीक है जी, दुआ खैर के पढ़ के दे दी, बाद में ये नहीं सोचा कि कितने लड़ाई झगड़े वट्टे सट्टे होते थे, ये होता था वो होता था। ये अब ठीक है, उसी वक्त जहाँ नसीब होता है वहीं अल्लाह ताला, जहाँ ये रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, अल्लाह की तरफ से बन के आते हैं, जहाँ नसीब होगा वहीं बस। अभी ये पढ़ेंगी लिखेंगी, बाद में ये 5-6 साल अभी देर है, 5-6 साल के बाद ये सब करना है। आप लोगों को इतना अल्लाह पाक ने, कितने दूर बैठ के सात समंदर पार से आपको अल्लाह पाक रिस्क दे रहा है, वो वहाँ बैठ के आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, कितने कहाँ से आ रहे हैं, इतना आप उनके बारे में सोचें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए सब दुआ करें बस। अबू मैं तो नमाज के साथ उन बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे। कहाँ से देखो आपके बारे में कितना, कहाँ इतनी दूर बैठ के वो इतना सोचते हैं। इंशाल्लाह हम भी उनके लिए बहुत दुआ करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी उनके लिए दुआ करते हैं। हमारे पास था क्या, जब खाने को दिवाला भी नहीं था, सब बहन भाइयों ने मदद की तो हम यहाँ तक पहुँचे। मैं तो उनके लिए नमाज के साथ रब से दुआ करती हूँ, और कुरान पाक पढ़ती हूँ तो उनके लिए दुआ करती हूँ हर वक्त। मेरे दिल से अल्लाह पाक के आगे निकलती है कि उनको खुश रखो, उनको भूख दे बस।